अब यहां पर देखो कुछ और भी जाने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा देखो ध्यान से, सब लोग देखेंगे। भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबल पुरस्कार मिला है, नोबल पुरस्कार पूरी दुनिया में ये बांटा जाता है, कोई मतलब ये नहीं कि भारत का है या फिर भारत के एक राज्य का है, पूरे विश्व लेवल का पुरस्कार है नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? सर सीवी रमन को, हर गोविंद खुराना को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, मैडम क्यूरी को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, इन सबको किससे? नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसमें से भारतीय कौन कौन है देखो बेटा, सीवी रमन हो गए है ना, हर गोविंद खुराना हो गए दो, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर तीन है ना, बाकी तो विदेशी दिख रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्थान है इसके बारे में थोड़ा देखो। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या इंडियन स्पेस, इसका फुल फॉर्म है बेटा, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसे संक्षेप में इसरो, शॉर्ट फॉर्म में इसरो भी कहते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है, कहां है? बंगलुरु। इसका ऑफिस कहां पे है इसरो का? बंगलुरु में। उपग्रहों को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है यहां पर इसरो में, जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूर संचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, कोई आंधी तूफान चक्रवात आना होता है तो पहले से टीवी में चला दिया जाता है न्यूज, कैसे पता लग जाता है, वही उपग्रह सारी जानकारी देते हैं जो धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे चंद्रमा घूम रहा है तो चंद्रमा तो प्राकृतिक उपग्रह है, वैसे ही छोटे छोटे उपग्रह बना करके चंद्रमा की तरह धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनमें कैमरे लगे हुए हैं, रडार लगे हुए हैं, वो सारी जानकारी धरती के चारों तरफ की ले करके धरती पर भेजते रहते हैं कि यहाँ पर अब तूफान उठने वाला है, यहाँ पर चक्रवात आने वाला है, सारी तभी तो हमको मौसम विभाग की जानकारी मिल जाती है मोबाइल में कि 3 दिन बाद बारिश होगी कि नहीं होगी, 15 दिन की जानकारी देता रहता मोबाइल ना, कहां से देता है? वही उपग्रहों से देता है। नौवहन और समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि प्रमुख हैं। अब देखो बेटा ये चैप्टर हो रहा है खत्म, इसमें हमने क्या क्या सीखा था। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन को हमने सीख लिया था कि विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, सुखमय बनाया है, बड़ा आसान बनाया है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो उसका नुकसान भी है। विज्ञान हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन विज्ञान का अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो वो हमारी जान भी ले लेगा। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है। विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों के दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, सबसे शक्तिशाली बम है, इसका नाम याद रख लो, कौन? हाइड्रोजन बम। दुनिया में सबसे शक्तिशाली बम अगर पूछा जाए तो कौन है बेटा? हाइड्रोजन बम, सभी बमों का राजा है। एक बार दगा दोगे तो ऐसा नहीं कि बस काम खत्म हो गया, इसका रेडिएशन इतना फैलता है कि 500 साल लग जाएगा तब तक वहां पर पौधा भी नहीं उग पाएगा, इतना खतरनाक होता है। प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशकों, दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति हुई, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन संकटमय हो जा रहा है। अब इसमें के प्रश्न बचे हैं, प्रश्नों को आप देखो कैसे चुटकियों में करते चलोगे। चलिए करते हैं अभ्यास प्रश्न, बुक है सबके पास ना, रेडी सब लोग, शुरू करें। चलो यहां पर देखिए, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है।
टेलीविजन के आविष्कारक हैं। अभी अभी मैंने कहा भी था कि याद भी कर लो इनका नाम। टेलीविजन, जॉन लॉगी बेयर्ड, चौथा वाला इसमें सही है, याद रखा करो। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, मैंने विज्ञान की परिभाषा लिखाई तो उसमें कुछ चरण लिखाए थे कि विज्ञान क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान है जो परीक्षणों पर आधारित है। तो इसमें क्या क्या, जैसे जिज्ञासा विज्ञान का चरण है, सबसे पहले जिज्ञासा ही तो मन में आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। फिर इसके बाद परीक्षण, बिना परीक्षण के विज्ञान में कोई चीज ली ही नहीं जाती है। फिर उसके बाद सिद्धांत, ये भी है। निरीक्षण, नहीं परीक्षण है, निरीक्षण ना रखो, ये वाला इसको ना लो, ये गलत है। भारतीय वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना, गावाले का कौन सही होगा, हरगोविंद खुराना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। मैंने अभी अभी आपको बताई थी कुछ गैसें जो फ्रिज में से निकलती हैं, एसी में से निकलती, बताए थे ना कौन सी गैसें हैं वो, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC।